अब आठवां नास्तिक, आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभाव रूप हैं। जैसे अनश्व गौ अगौरश्व, गाय घोड़ा नहीं है और घोड़ा गाय नहीं है इसलिए कुछ भी नहीं है। गाय घोड़ा नहीं है और घोड़ा गाय नहीं है, ना गाय है ना घोड़ा है, कुछ भी नहीं है, इसलिए सबका अभाव, सबको अभाव रूप मानना चाहिए। ये पूर्व पक्षी है, वो कह रहा है गाय में क्या घोड़ा है? नहीं है। नहीं है। क्या घोड़े में गाय है? नहीं है। तो घोड़े में गाय नहीं है, गाय में घोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी चालाकी कर रहा है वो पूर्व पक्षी। ये नास्तिक आठवां, इसका उत्तर सुनिए। ऐसे हम व्यवहार करते हैं स्वामी जी का, हैं? ऐसे कोई चीज को व्यवहार करते हैं? हैं हैं, बहुत सारे लोग हैं। पीत्वा पीत्वा भूतले यावत पतति भूतले पुनर्जन्म न विद्यते, खाओ ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, खाओ पियो मजा करो, कर्जा लेके घी पियो, अगला जन्म किसने देखा है, कौन आएगा कर्जा चुकाने, मजा करो, लूट मार के खा जाओ, बस। ऐसे लोग बहुत बैठे हैं जो इस तरह के विचार रखते हैं, तो ऐसे भी हैं। अरे बड़े विचित्र खोपड़ी के लोग हैं, जब उन्होंने जीव की सत्ता को इनकार कर दिया कि प्रकृति की सत्ता को इनकार नहीं कर दिया, तो भांग के नशे में नहीं बोल रहे लोग, वो कह रहे सिर्फ ब्रह्म ही है। अरे अगर सिर्फ ब्रह्म ही है तो ये चोर डाकू लुटेरा आतंकवादी हत्यारा कौन है भाई? ब्रह्म ऐसे काम करता है क्या? आपको तो समझ में आता है, उसकी समझ में नहीं आता। वो कहता है हाँ ये ब्रह्म ही है सब, ब्रह्म तो नाटक कर रहा है, वो तो अपने आप में खेल रहा है। ऐसी ऐसी बेवकूफ़ों की बातें करते हैं, जैसे वो कोई दारू पी के बोल रहा है, कोई भांग के नशे में बोल रहा है। तो ये भी एक ऐसा ही है। वो कहता है घोड़े घोड़े में गधा नहीं है, घोड़े में गाय नहीं है, गाय में घोड़ा नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं है। हाँ फिर सारा व्यवहार अवयवी पर है और वो अवयव को अवयवी को नहीं मान रहा। तो इस प्रकार के बहुत खोपड़ी खराब लोग हैं दुनिया में, बड़े विचित्र विचित्र। और आप 11वां समुल्लास पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कितनी दुनिया पागलों से भरी पड़ी है। 11वां 12वां 13वां 14वां पीछे के चार चैप्टर ये पागलों के हैं, पागलों का दिग्दर्शन है। अगर किसी को पागलों के नज़ारा देखना हो तो पीछे के चार चैप्टर पढ़ो, आपको पढ़ पढ़ के खोपड़ी घूम जाएगी। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, सब हैं ऐसे लोग। तो ये भी उन्हीं में से एक व्यक्ति है जो ये कह रहा है गाय में घोड़ा नहीं है, घोड़े में गाय नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, न गाय है न घोड़ा है। ये तो है प्रश्न, अब उत्तर सुनिए। सब पदार्थों में इतरेतर अभाव का योग हो, परंतु गवि गौ अश्वे अश्व भाव रूपो वर्तते। सिद्धांति भी तो बुद्धिमान है, वो इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि आप उसको बहका लेंगे। आप जितना पढ़ के आते हैं ना, वो सिद्धांति उससे 10 गुना पढ़ के आता है, उसको सब मालूम है ये कहाँ चाल चल रहा है और अभी इसको कहाँ ठीक करना है, वो सब जानता है। तो ये कह रहा है सिद्धांति कि भाई आपकी ये बात तो ठीक है कि गाय में घोड़ा नहीं है, घोड़े में गाय नहीं है, ये तो ठीक है, ये तो हम भी मानते हैं, पर ये बताओ गाय में गाय है कि नहीं? आ गया ना पटकी में। गाय तो गाय है या नहीं है, बोलिए हाँ या ना। गाय को तो गाय कहोगे, घोड़े को तो घोड़ा कहोगे ना, फिर अभाव कहाँ हुआ? ऐसे पागल बनाते हो लोगों को, मूर्ख आदमी। गाय में घोड़ा नहीं है ये ठीक है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव, गाय में घोड़े का अभाव, ये इतरेतर अभाव। गाय में घोड़े का अभाव है और घोड़े में गाय का अभाव है, तो सिद्धांती कह रहा है गाय में गाय का तो सत्ता है कम से कम, घोड़े में घोड़े की सत्ता है, गाय में गाय की सत्ता है, सब कुछ है, फिर क्यों पागलों की तरह बोल रहे हो नशे में? उत्तर समझ में आया हाँ या ना? नहीं आया। अच्छा आप गाय को क्या बोलते हैं, हाथी या बैंगन क्या बोलते हैं? तो गाय बोलते रहे फिर क्या नहीं है, गाय खड़ी तो है, आंख से दिख रही है, उसको थोड़ा छेड़ो तो सींग मारेगी, लात मारेगी, टांग तोड़ देगी, फिर क्यों कह रहे नहीं है गाय? गाय सामने दिख रही है, घोड़ा भी सामने दिख रहा है, फिर पागलों की तरह बोल रहे हैं कि गाय नहीं है, घोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है।
तो सिद्धांति कह रहा है गाय के रूप में, प्रश्न तो गलत ही होता है ना, पूर्व पक्षी क्यों कहते हो उसको, इसीलिए तो कहते हैं वो बकवास करता है, उल्टी सीधी बात करता है। तो पूर्व पक्षी तो कुछ भी बोलेगा, तो प्रश्न ये था पूर्व पक्षी जो है ना वो, अच्छा देखो एक शब्द चलता है ब्रेन वॉशिंग, सुना है ब्रेन वॉशिंग, ये पूर्व पक्षी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, अच्छी भली गाय दिख रही है, अच्छा भला घोड़ा दिख रहा है, फिर भी बेवकूफ बना रहा है कि ना गाय है ना घोड़ा है। तो पूछा भाई कैसे नहीं है, बोला घोड़े में गाय है क्या, नहीं है, क्या गाय में घोड़ा है, नहीं है, जब दोनों नहीं है तो काय का हुआ, कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। अब आई पकड़ में बात, पकड़ में आई कि नहीं आई, तो वो तो ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, वो कह रहा है गाय में घोड़ा नहीं है और घोड़े में गाय नहीं है, इसलिए दोनों ही नहीं है। पर सिद्धांती कह रहा है गाय में घोड़ा नहीं है, गाय में घोड़ा नहीं है ये ठीक है, पर हाँ उसका तो है ही ना, तभी तो दूसरे पे वो अप्लाई कर रहा है, उसका खुद पागल है, वो दूसरे को पागल बना रहा है। ऐसे लाखों लोग हैं देश में, विदेश में, सारी दुनिया में लाखों लोग हैं, शून्यवादी संप्रदाय है स्वामी जी, वो भी यही बता रहे। और क्या, तो थोड़ा थोड़ा उनकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क है, बाकी ये यूँ कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, गाय भी नहीं है घोड़ा भी नहीं है, क्यों नहीं है, गाय में घोड़ा नहीं है घोड़े में गाय नहीं है, तो दोनों नहीं है, वो ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है। सिद्धांती ने उसको पकड़ लिया, उसने कहा ये तो ठीक है कि गाय में घोड़ा नहीं है, पर गाय में तो गाय है ये तो बोलो। अब फंस गया वो बेचारा, अब हाँ करनी पड़ी। हाँ गाय में तो गाय है और घोड़े में घोड़ा है, तो फिर जब गाय भी है घोड़ा भी है, फिर क्यों पागल बना रहे हो लोगों को कि ना गाय है ना घोड़ा है। तो ये सिर्फ शब्द जाल है, शब्द का जाल बिछा के सामने वाले को मूर्ख बनाना। ये सारी कोर्ट में और सारा दिन क्या करते हैं वकील लोग, यही तो करते हैं, शब्दों को घुमाते रहते हैं और लंबा खींचते रहते हैं केस को, तो ये चालाकी है सारी। तो अब सिद्धांती का उत्तर सुनिए, सब पदार्थों में इतरेतर अभाव का योग हो कोई बात नहीं, वो तो हम मान लेंगे, गाय में घोड़ा नहीं है घोड़े में गाय नहीं, परंतु गवि गौ अश्वे अश्वभव भाव रूपो वर्तते, गाय में गाय है घोड़े में घोड़ा है, जब दोनों हैं फिर गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव तो है ही, जब है तो अभाव कभी नहीं हो सकता। जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतर भी किस में कहोगे, तुमने कहा था गाय में घोड़ा नहीं है, अब पकड़ लिया उसको अच्छी तरह, उसी के प्रश्न से उसी को काटेगा सिद्धांती। सिद्धांती ने कहा कि तुमने कहा था गाय में घोड़ा नहीं है, अच्छा ये बताओ किस में नहीं है, बोला गाय में, तो गाय तो है ना, फिर अभाव काय का बता रहे हो। घोड़ा नहीं है किस में नहीं है, गाय में, तो गाय तो मान ली तुमने, गाय मान ली, फिर तुमने कहा था गाय घोड़े में नहीं है, तो हम पूछ रहे हैं गाय किस में नहीं है, उसने कहा घोड़े में, तो घोड़ा तो है ना फिर, तो गाय भी है घोड़ा भी है, क्यों बेवकूफ बनाते हो। तो ये पूर्व पक्षी ऐसी गड़बड़ करता है, सिद्धांती बहुत बुद्धिमान है, वो उसको पकड़ लेता है कहीं ना कहीं से। तो शास्त्रीय कहता है कि जो सत्य है वो कहीं ना कहीं से सिद्ध हो जाएगा, उसको सिद्ध करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, चतुर व्यक्ति बुद्धिमान चाहिए, आईक्यू लेवल अच्छा हो, पकड़ना जानता हो, सब पकड़ लेगा, सारी झूठ पकड़ लेगा, सब चालाकी पकड़ लेगा और वो सिद्ध कर देगा। और ये जो सारी चालाकियाँ हैं ये न्याय दर्शन में बताई हैं, 54 प्रकार की चालाकियाँ। हाँ जी कितनी बताइए, 54, देर आर 54 मिस्टेक्स, ये 54 गलतियाँ हैं, ये उन्हीं में से एक गलती है और वो सारी बता रखी है न्याय दर्शन में। तो जो न्याय दर्शन पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, उसको समझ में आएंगी ये 54 गलतियाँ क्या है। मैंने इस न्याय दर्शन को 100 बार पढ़ लिया, इसलिए मुझे तो सारी मुँह जबानी याद है, सब उंगली फिंगर टिप्स पे सारे याद है मुझे, तो मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ। आप मुझे कितने ही सवाल पूछते हैं मैं तत्काल उत्तर देता हूँ, मुझे पता है ये कहाँ गलती कर रहा है। पूछने वाला कहाँ गड़बड़ कर रहा है, मुझे तुरंत पकड़ में आता है। तो ये न्याय विद्या बार बार पढ़ने से समझ में आएगा। चलिए तो ये बात हो गई, जब घोड़े में घोड़े का भाव है तो अभाव कभी नहीं हो सकता, जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतर अभाव भी किस में कहोगे, किस में कहा जाएगा। पहले गाय मानोगे तभी तो बोलोगे गाय में घोड़ा नहीं है, पहले गाय तो मान तो ली।
इधर घोड़ा भी मान लिया कि घोड़े में गाय नहीं है, तो दोनों चीज मान ली, ये इसका उत्तर हो गया।